होंडा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस होंडा ने आपकी महफूज सवारी की तरबियत के लिए ये सेफ्टी वीडियो तरतीब दिया है, जो आपकी सेफ राइडिंग के लिए यकीनन माविन साबित होगा। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में महफूज सफर के असूलों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। एटलस होंडा की जानिब से इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद सेफ राइडिंग की अमली तरबियत के लिए किया जाता है। सेफ राइडिंग के बुनियादी असूलों में पहले नंबर पर प्री राइड चेक यानी सवारी से कब मुआयना आता है। किसी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए राइडिंग से कब मुआयना कर लें कि आया आपकी मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हालत में है या नहीं। फ्यूल, सबसे पहले पेट्रोल की मिकदार चेक करें। इंजन ऑयल, इंजन ऑयल का लेवल और हालत भी जरूर देखा करें। टायर्स, टायरों की जाहरी हालत पर नजर रखें और प्रेशर चेक करें। ड्राइव चेन, देखें कि चेन में कहीं खुश्कपन, जरूरत से ज्यादा तनाव और ढीलापन तो मौजूद नहीं। इंजन, इंजन के नट बोल्ट्स वक्तन फवक्तन चेक कर लिया करें। ब्रेक्स, अगली और पिछली ब्रेक्स की फ्री प्ले भी चेक कर लें। लाइट्स, तमाम लाइट्स की कारकर्दगी चेक कर लिया करें। क्लच, क्लच की फ्री प्ले 10 से 20 मिलीमीटर तक कंफर्म करें। केबल्स, तमाम केबल्स की जाहरी हालत और कारकर्दगी चेक कर लें, अगर जरूरी हो तो मुकम्मल केबल तब्दील कर दें। बैक व्यू मिरर, दोनों मिरर्स की एडजस्टमेंट इस तरह करें कि अंदरूनी चौथाई हिस्सा में आपके दोनों कंधे नजर आने चाहिए और उसकी समत में निस से ऊपर आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई दें। अगरचे बयान करने में यह तरीका आपको तवील महसूस हुआ होगा, लेकिन ये मुख्तसर सा जायजा बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाता है। ये मुआयना इस बात की गारंटी तो नहीं कि कोई मसला पैदा ही ना होगा, मगर इस जरिए से कभी उम्मीद है कि आप खराबी को खतरा बनने से पहले ही पकड़ लेंगे। नाजरीन, अब हम सेफ राइडिंग के दूसरे असूल प्रोटेक्टिव क्लोथ्स यानी हिफाजती लिबास की तरफ आते हैं। हेलमेट, हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को बैरूनी असरात से बचाता है और हादसा की सूरत में सर और चेहरे को शदीद चोट से महफूज रखता है। गॉगल्स, सवारी के दौरान आंखों को धूल, हशरात और धूप वगैरह से महफूज रखने के लिए गॉगल्स इस्तेमाल करें। जैकेट, पतलून, मोटरसाइकिल की सवारी के लिए ढीले ढाले लिबास के मुकाबला में पूरी आस्तीन की कमीज और तंग पांचे की पतलून जैसा चुस्त लिबास निस्बतन महफूज है। ग्लव्स, पसीने की वजह से हैंडल पर गिरफ्त कमजोर पड़ जाने और खुदा न खासा हादसे की सूरत में हाथ सड़क पर रगड़कर जख्मी हो जाने से महफूज रहने के लिए सवारी के दौरान हमेशा ग्लव्स इस्तेमाल करें। शूज, ऊंची एड़ी और बगैर तस्मों वाले शूज सवारी के लिए बेहतर है, जो सवार को बैलेंस कायम रखने में मदद देते हैं। इसके बाद बारी आती है मोटरसाइकिल हैंडलिंग की। मेन स्टैंड से उतारना, हैंडल को दोनों हाथों से पकड़कर पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका देकर आगे को धकेलें और दाएं हाथ से अगली ब्रेक दबाएं। मेन स्टैंड पर खड़ा करना, स्टैंड को दाएं पांव से इस तरह लगाएं कि इसकी दोनों टांगें जमीन पर लगी हों। बाएं हाथ से हैंडल बार को पकड़ें और बिल्कुल सीधा रखें। दाएं हाथ से सीट बार को पकड़कर दाएं पांव का वजन मेन स्टैंड पर डालते हुए ऊपर की तरफ खींचें। मोटरसाइकिल पर बैठना और उतरना, मोटरसाइकिल पर सवार होने से पहले हमेशा दाएं तरफ पीछे देखें और फिर सवार हो। इस तरह उतरने से पहले भी दाएं तरफ पीछे देखें और फिर उतरें। मोटरसाइकिल को आगे और पीछे के रुख धकेलना, हैंडल बार को दोनों हाथों से थामकर मोटरसाइकिल को थोड़ा सा अपनी तरफ झुका के आगे की तरफ चलाएं। पीछे की तरफ चलाने के लिए अपना बायां हाथ हैंडल बार और दायां हाथ सीट पर रखकर अपना रुख पीछे की तरफ कर लें और वजन दाएं हाथ पर डालें। मोटरसाइकिल चलाने का तरीका, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके चलाने से पहले हमेशा अपना दायां पांव ब्रेक पैडल पर रखें।
गियर लगाने के बाद अपना बायां पांव जमीन पर रखें और दोबारा दायां पांव ब्रेक पैडल पर रखें। अब दाएं तरफ पीछे देखने के बाद मोटरसाइकिल चलाएं। महफूज सवारी के लिए इन 7 नुकात पर अमल करें। आंखें, निगाह सामने की तरफ फैलाव में रखें। कंधे नॉर्मल हालत में रखें और इनमें तनाव पैदा न होने दें। कोहनियां, कोहनियों को कुदरती अंदाज में खम देकर पहलुओं से मिलाकर रखें, जबकि जिस्म का ऊपरी हिस्सा ढीला रखें। हाथ, हैंडल को हल्की कोर से ग्रिप करें और कलाई का जाविया 120 डिग्री पर रखें। कूल्हे सीट पर इस तरह बैठें कि आपके दोनों हाथ हैंडल पर आसानी से पहुंच सकें। घुटने, दोनों घुटनों से फ्यूल टैंक को हल्का सा दबा कर रखें। पांव बिल्कुल सीधे रखें और जूते की एड़ी को फुट रेस्ट के ऊपर रखने की बजाय पीछे रखें। इसके साथ ही बाइक रोकने के लिए ब्रेक लगाने का दुरुस्त तरीका जानना भी जरूरी है। ब्रेक लगने में 3 अवामल कार फरमा होते हैं। नंबर 1, रोड एंड टायर। नंबर 2, ब्रेक शू एंड ड्रम। नंबर 3, स्किल। याद रखें, मोटरसाइकिल में 3 इकसाम की ब्रेक होती है, इंजन की ब्रेक, अगली ब्रेक, पिछली ब्रेक। बाइक रोकने में फ्रंट ब्रेक 60-75% असरअंदाज होती है, जबकि पिछली ब्रेक का किरदार 25-40% है। ब्रेक लगाने का सही तरीका, नजर सामने की तरफ रखें और घुटनों से फ्यूल टैंक को दबाएं। हाथ से हैंडल बार को मजबूती से पकड़ें। हमेशा अगली और पिछली दोनों ब्रेक्स इकट्ठी इस्तेमाल करें। व्हील स्लिप होने पर पैडल पर दबाव कम करके दोबारा ब्रेक लगाएं। क्लच लीवर को मोटरसाइकिल रोकने से थोड़ा पहले दबाएं। क्या मुकम्मल ट्रेनिंग सेशन है ये। वेबसाइट तो वाकई ही महफूज सवारी के बारे में काफी मालूमात फराहम करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी नई बाइक पर फर्स्ट राइडिंग पे आप भी मेरे साथ चलें? इस तरह मुझे सीखने का बराए रास्त मौका मिल जाएगा। वेरी गुड अली, तुम FSC की तरह अपनी पहली सेफ राइड में भी शानदार नंबरों से पास हुए हो। लेकिन बेटा, 2 चीजें तुम भूल गए हो। मोटरसाइकिल चलाने के लिए महफूज जूते, राइडिंग के लिए हमेशा हील वाले बंद जूते इस्तेमाल करने चाहिए और पूरी आस्तीन वाली कमीज भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने मामू जान, थैंक्स अ लॉट।